आज मैं साबूदाना की टिक्की बनाने की रेसिपी लेके आएंगे, जिसमें सामग्री लगेगी एक कटोरी साबूदाना फूले हुए, जो मैंने 4 से 6 घंटे के लिए पहले से ही फूलो दिए थे, और उबले हुए आलू मैश किए हुए एक कटोरी, थोड़ी धने पत्ती, 3-4 हरी मिर्च और थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा पानी। पेस्ट बना ले, उबले हुए आलू 3-4 जिनको हमने अच्छे से मैश किया हुआ, एक कटोरी साबूदाना इनको हमने 4 से 6 घंटे के लिए फूलो दिया था, थोड़ी सी धनिया पत्ती, 3-4 हरी मिर्च। इसमें आप चाहें तो सोंधा नमक डाल सकते हैं। हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। इसमें आपको पानी लगे तो थोड़ा डाल लीजिए, अगर नहीं लगे तो मत डालिए। अब हम पैन को गर्म करेंगे, इसकी टिक्की हम हाथ में घी लगा लेंगे और इस तरह छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे टिक्की के आकार में, इस तरीके से। इनको आप व्रत में खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने इस तरीके से सारी टिक्की बना ली है, हमको ज्यादा पतली नहीं ना ज्यादा मोटी हमको बनाना है, इस तरीके से बनाना है। चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। इसे हमने पैन को गर्म किया हुआ है, अब इसमें हम घी लगाएंगे। इसमें हम सारी टिक्की रख देंगे। गैस को हम तेजी रखेंगे, आप अपने घर पर जरूर बनाइएगा। हमें देखिए ऐसे हम थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे। चलिए हम अपनी टिक्कियों में घी लगा लेंगे। देखिए मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, आप भी लगाना, और ये ब्राउन हो जाएंगे और फिर हम इनको बाद में पलट लेंगे। हम बंद कर देंगे, हमारी सारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से सेक गई है, अब इनको हम निकाल लेंगे। हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है, ये व्रत में खाई जा सकती है। आप इसमें नमक सेंधा डालना हो तो डालिए, नहीं डालना हो तो मत डालिए।